हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, दी रेडिएंट स्टडी में स्वागत है। कल हम लोगों ने रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट किया हुआ था, जिसका पार्ट वन हमने कल फिनिश किया था। आज उसी का पार्ट टू है। उसमें कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस सप्ताह में कितने दिन होते हैं, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, सूर्य पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो कितने समय में लगाता है, जो महीने के कोड होते हैं वो हमने देखा, लीप वर्ष देखा, शताब्दी वर्ष देखा। उस पर हमने टाइप वन से संबंधित उसमें क्वेश्चन भी किए थे, उसके फार्मूले भी देखा था। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू हो चुका है अपना, एक्सरसाइज करते हैं। और आज पार्ट टू में जितना भी कैलेंडर के जितने भी टाइप बनेंगे वो सब आज हम फिनिश कर देंगे। तो अपने कैलेंडर के दो पार्ट हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। इन दोनों पार्टों में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, सब इस दोनों पार्ट के अंदर आपके पूरे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। तो क्या क्या था भाई, हमने देखा था जो एक सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह के अंदर जो है 7 दिन हैं, आपको पता है पहले से ही। कौन कौन से दिन थे भाई? सोमवार, जिसको हम एक नंबर से जान रहे थे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और इधर से करता हूँ, मैं लेता हूँ। एक सप्ताह 7 दिन हैं, सोमवार को एक नंबर कोड से जानते हैं, मंगलवार को 2 नंबर कोड से, बुधवार को 3 नंबर से, बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी कहते हैं, 4 नंबर, शुक्रवार आपका 5 नंबर, शनिवार 6 नंबर, और रविवार जो लास्ट सप्ताह का दिन होता है इसको 7 नंबर या 0 नंबर से हम जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने महीने का कोड भी देखा था, जो हमें क्वेश्चन लगाते समय उसकी ज़रूरत पड़ी थी। क्या था महीने का कोड? कोड मैंने आपको बताया था क्या था, जनवरी। ये आपका 0 था, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा सा किनारे कर दूँ। जनवरी था, ये आपका 0 था। फरवरी आपका 3 था। मार्च आपका 3 था। अप्रैल आपका कितना था? 3 और 3 मिलके 6। फिर से मई आपका कितना था? 1 था। जून आपका कितना था? जून आपका जो है 4 था। जून आपका 4 था। जुलाई आपका 6 था। अगस्त आपका जो है 2 नंबर, सितंबर 5 नंबर, अगस्त आपका 2 नंबर, सितंबर 5 नंबर, ये आपका अक्टूबर, अक्टूबर आपका 0 नंबर, नवंबर आपका 3 नंबर, और दिसंबर आपका क्या नंबर? 5 नंबर। यानी नवंबर 3 नंबर और दिसंबर 5 नंबर, ये आपका टोटल महीने का कोड था, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, जिससे आप दिखाई ना दे रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। सितंबर, अक्टूबर 0 नंबर, अक्टूबर नवंबर 3 नंबर, और दिसंबर आपका 5 नंबर, ठीक है। ये था फार्मूला। क्या था
दिन इज इक्वल टू वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस डेट प्लस मंथ डिवाइडेड बाय सेवन, ये क्या था, शेषफल। ठीक है, ये आपका फार्मूला था और इस फार्मूले पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एक पॉइंट क्या था, लास्ट के हम दो डिजिट ले रहे थे 1999 तक का दो डिजिट। ठीक है, इसके बाद का हम क्या कर रहे थे, 1900 में से घटा रहे थे, जो आपका बैलेंस आ रहा था, चाहे वो दो डिजिट का हो या तीन डिजिट का हो, चाहे जितने भी डिजिट हो, फोर डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, उसको हम वर्ष में फार्मूले के अंदर पुट कर रहे थे, रख दे रहे थे। ठीक है, वो हम रख रहे थे। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर टू, कैसे क्वेश्चन बनता है टाइप नंबर टू का। ठीक है, टाइप नंबर टू, टाइप नंबर टू में क्वेश्चन आपका कैसा बनता है देखिए। टाइप नंबर टू है आपका, जब दो कंप्लीट डेट के बीच एक वर्ष से कम का अंतर हो। मान लीजिए जब प्रश्न में, जब प्रश्न प्रश्न में डेट एक वर्ष से कम हो, यानी जो डेट है आपका वो एक वर्ष से कम के हो, मतलब उसके अंदर हो, एक वर्ष से अंदर का हो, तो उस वैसा सवाल कैसा बनता है। एग्जांपल देखिए कैसा होता है, यदि 10 फरवरी 2003 को सोमवार था तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए कह रहा, जब प्रश्न में डेट एक वर्ष से कम हो, यानी एक वर्ष के अंदर की बात कर रहा है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, हल कीजिए। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा समझो। ये हमारा टाइप वन का फार्मूला था जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो ये टाइप टू कैसे पढ़ेंगे, बड़ा आसान है। देखिए अब पता है फरवरी के आगे जुलाई होता है, तो समय क्या होगा, दिन क्या होगा, वो सब जुड़ जाएंगे, दिन जुड़ेगा ना, तो कैसे, 10। अब देखो पहले ये देखेंगे, ये जो 2003 है ये लीप वर्ष है या ऑर्डिनरी वर्ष है, तो ये सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, तो हम क्या करेंगे, 28 माइनस 10 फरवरी प्लस मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन प्लस जून 30 दिन, जुलाई में 17 दिन है, यानी 17 ही दिन की बात कर रहा है ये, तो टोटल दिन गिन लेंगे, इसमें कितना बैलेंस बचेगा, 18, 31 प्लस 30 प्लस 31, 30 प्लस 17, और इस सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ो कितना होगा, 7, 8, 9, 17, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 14, 1, 15, यानी 157 होगा, टोटल कितना होगा, 157। अब ये टोटल 157 होगा, अब इसको सप्ताह में बदलो,
तो हम क्या करेंगे सप्ताह बदलने के लिए, 157 में 7 का भाग करेंगे, जो आपका शेषफल आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, वो शेषफल इस दिन में जोड़ देंगे। तो चलिए भाग कीजिए, 157 में 7 का, 7 × 14 = 3, ये आया, यानी 3 शेषफल आया शेषफल। तो क्या करेंगे, ये सोमवार है, सोमवार प्लस 3 और जोड़ दो, तो सोमवार के बाद 3 दिन क्या हो जाएगा, सोमवार में 3 दिन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, गुरुवार। तो सोमवार के बाद 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा, जब समय एक वर्ष के कम का हो, ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा भाई दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत जानदार है। अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे दे दिया 10, हमने दे दिया यहाँ पे 10 मार्च 2004 को सोमवार था, चलिए कोई दिन मान लिया हमने, सोमवार था, सपोज दैट हमने ये मान लिया, और यहाँ पे रख लीजिए आप 17 जुलाई 2004 कर दीजिए, हमें पता नहीं है कौन सा दिन है लेकिन हमने मान लिया, तो सेम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, अब ये घट जाएगा, यहाँ से यहाँ घट जाएगा, कितना, अब ये 31 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मार्च में से घटेगा तो आपका घट जाएगा तो 21 हो जाएगा, यहाँ टोटल 21 हो जाएगा, ये मामला हट गया, यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल यहाँ कर लेंगे, 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग करने पर ये जो सोमवार जो भी दिन होगा यहाँ पे, जो भी दिन होगा इसके साथ, उसमें हम उतना शेषफल को जोड़ के और यहाँ से दिन की गिनती कर लेंगे, ठीक है, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक साल के अंदर है, ये तो आगे की तरफ है, हो सकता है पीछे की तरफ हो, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो कैसे होगा, एक साल के अंदर ये तो आगे की तरफ है, अगर पीछे की तरफ हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि 24 जनवरी, चौबीस जनवरी 2003 को शुक्रवार था, 2003 को शुक्रवार था, तो 10 अक्टूबर 2002 को कौन सा दिन होगा, 10 अक्टूबर 2002 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 2003 24 जनवरी से पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साल के अंदर की ही बात है, एक साल के अंदर की ही बात है, उससे बाहर की बात नहीं है। तो क्या होगा, देखो हल करो, कैसे हल करोगे भाई, बहुत आसान है, हल करो, देखिए कैसे हल करेंगे, चौबीस जनवरी है तो पीछे की तरफ चलेंगे, तो जनवरी में हमारा कितना दिन हो गया, 24 दिन, ठीक है, अब वो 31 में से नहीं घटेगा, पीछे आएगा, प्लस दिसंबर कितना है हमारा, 31 दिन, प्लस नवंबर कितना है, 30 दिन, फिर से अब क्या कर, अक्टूबर, तो अक्टूबर में 10 अक्टूबर 2002 तक की बात कर रहा है, तो उससे पहले का हो जाएगा, ठीक है, उससे मतलब बाद का, 11 तारीख से लेके 31 अक्टूबर की बात हो जाएगा, तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा, अब ये 31 में से 10 घटेगा भाई, वो तो 10 चला गया ना उधर, 10 अक्टूबर से बात कर रहा है,
तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 21 दिन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 24 + 31 + 30 + 21, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, क्या होगा भाई देखिए, जोड़ो 2 4 6, ठीक है, 2 3 2 5 3 8 8 2 10, ठीक है, 106। अब भाग करो 7 से, तो 106 में 7 का भाग करोगे तो कितना होगा, 7 × 1 = 7, 3 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, 1 यहाँ पे 1 शेषफल हो गया। अब जितना ये शेषफल आया, पीछे की तरफ की बात कर रहा है तो ये शुक्रवार है, तो इस शुक्रवार में से 1 घटा दो, ठीक है, तो शुक्रवार के पहले एक दिन पहले क्या है, गुरुवार, ये उत्तर हो जाएगा गुरुवार, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। जितना आपका आएगा उसमें से पीछे अगर डेट रिवर्स कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो उतने में से जितना ये रहता है उसमें घटा दीजिए, आगे की तरफ है तो उतना जोड़ दीजिए, ठीक है। ये है आपका टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 3 पे, ठीक है, चलो टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए जो टाइप नंबर 3 है, सन कुछ भी हो सकता है लेकिन जो डेट और महीना है वो सेम होना चाहिए, यानी टाइप नंबर 3 में डेट एंड मंथ समान हो और वर्ष में अंतर हो तो, हो तो कैसे क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डेट एंड मंथ समान हो और वर्ष में अंतर हो, हो अंतर, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो देखिए कैसे बनेगा। यदि 24 जनवरी 2003 को या 1 जनवरी 1911 को, 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, क्या माना जाए, बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा, 1971 को कौन सा दिन होगा, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसमें देखिए कैसे हम सवाल को हल करेंगे। सेम वही अपना ये फार्मूला आप ले लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को ले लेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, पहले हम इस पार्ट कॉल करेंगे उसके बाद इस पार्ट कॉल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में डेट और मंथ जब समान होता है तो पहले पार्ट कॉल कीजिए उसके बाद दूसरे पार्ट कॉल कीजिए, तो इसको ले लीजिए 11 प्लस, अब क्या है लीप वर्ष, तो 11 में 4 का भाग करोगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 8, तो भागफल होगा 2 प्लस ये क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, जनवरी का कोड 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 7 भाग करो कितना हो जाएगा 13, 11 × 2 = 13 = 14, 14/7 यानी 7 × 2 = 14, यानी शेषफल कितना आया 2 आया, शेषफल 2 आया, तो बुधवार में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, बुधवार को क्या करेंगे हम 2 को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ शेषफल 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि पूर्ण विभाजित हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा, फिर से यार ये फल छूट जा रहा है बार बार, तो बुधवार में हम क्या करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई दिन ऐड ही नहीं होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सिम बुधवार ही हो जाएगा, ठीक है,
नहीं, हमारा जो है यहाँ से सेसफल जीरो आ रहा है इस फार्मूले के हिसाब से, तो जीरो हमारा क्या होगा, ये रविवार हो जाएगा, ठीक है, ये रविवार उत्तर होगा, ये आंसर होगा। अब इसको ले लो, अब ये सेकंड पोजीशन को करो इस फार्मूले से, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पोजीशन को करो तो क्या होगा, 71 प्लस 71 में दो उसका चार का भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, भागफल 17 प्लस आपका महीना एक, 0 डिवाइडेड बाई 7। और जब आप इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 5 शेषफल, ठीक है, 5 शेषफल होगा। अब जो ये 5 शेषफल है वो हमारा क्या होगा, निकल के आ जाएगा हमारा शेषफल टोटल, रविवार, रविवार में प्लस 3 जुड़ जाएगा कैसे, ठीक है, शुक्रवार, एक सेकेंड रुक जाओ, रविवार 0, हाँ ठीक है, ये रविवार हुआ, ठीक है भाई, यहाँ पे 0 जो सेसफल हुआ था वो रविवार हो गया था, और रविवार अपना क्या हुआ, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। यहाँ से आप जोड़ दो इसको कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका 7 1 8 1 9, ठीक है, 9 और 7 1 8 डिवाइडेड बाई 7, भाग करो 1 1 9, और यहाँ से हो जाएगा आपका 7 2 14 7 2 14, यानी 5, आपका यहाँ 5 शेषफल हो गया, ठीक है, 5 शेषफल, अब ये यहाँ पे 5 शेषफल हो गया, ठीक है, और वहाँ पे आया था रविवार, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा रविवार आया है और यहाँ बुधवार दिया हुआ है इस पॉइंट को हल करने के बाद, तो हमने रविवार में अगर 3 जोड़ेंगे तब जाके बुधवार होगा, बुधवार होगा, और ये जो हमारा 5 आया है वो 5 कै नंबर पे होगा, शुक्रवार पे होगा, शुक्रवार पे होगा। तो इसी तरह शुक्रवार जो हमारा, अगर शुक्रवार में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और उसका अगला क्या हो जाएगा, सोमवार, इसलिए हमारा क्या होगा उत्तर, ये सोमवार होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 का था, क्या होगा भाई, पहले इस वाले पोर्शन को हम हल कर लेंगे, जो शेषफल आएगा वो रविवार हो जाएगा, मतलब जो आया यहाँ पर 0, ये रविवार हुआ जो इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे दिया है बुधवार, तो रविवार में अगर हम 3 और जोड़ेंगे तब बुधवार होगा, तो यानी 3 ये जोड़ना पड़ रहा है सफिशियंट सफिक्स के रूप में। और ये क्या है, ये इसको हमने हल किया तो 5 शेषफल आया शुक्रवार, तो जैसे हमने प्लस 3 यहाँ किया वैसे प्लस 3 यहाँ भी करना पड़ेगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, ये हमारा होगा पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 पे, कि पार्ट 4 में कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलो पार्ट 4 पे आ जाओ, पार्ट 4 क्या है, यदि वर्षों की संख्या समान दिया हो, क्या दिया हो, यदि उसमें क्या था, महीना और आपका मंथ समान था, लेकिन इसे महीना नहीं, इसे वर्ष की, वर्ष समान हो तो कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्वेश्चन दे दिया है 1 जनवरी 2000 को सोमवार था, 1 जनवरी 2000 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा, 10 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखना बड़े ध्यान से, क्या करेंगे इसको, वैसे ही सेम फंडा, सन समान है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ो, जनवरी में टोटल कितना हो गया, 31, 1 जनवरी की बात कर रहा है, तो अब क्या होगा,
जनवरी में 31 में से एक हटा दो, फरवरी कितना है, अभी देखो लीप वर्ष है तो ये 29 हो जाएगा, मार्च 31 हो गया, अप्रैल 30 हो गया, मई आपका 31 हो गया, जून 30 हो गया, और जुलाई में 10 लेंगे, इसको 10 कर दो। यहाँ पे 30, 29, 31, 30, 31, 30, 10 जोड़ दो, कितना हो गया आपका, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल हो गया आपका 1, 2, 9, 10, 11, 181 डिवाइडेड बाई 7, भाग करो 181 में 7 का, 7 × 14, 4×1, 7×6 42, 7×5 35, 6, यानी शेषफल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा भाई, 6 की बात कर रहा है तो 6 नंबर पे क्या होगा, ये सोमवार है, प्लस 6 जुड़ जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यहाँ रविवार होगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइप नंबर 4 का आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कैलेंडर में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और आपका कैलेंडर हुआ समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ।